अपनी सरजमी पर ऑस्ट्रेलिया हारी और भारत की दिखी वर्ल्ड कप की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूँ राजीव मिश्रा। तीन खास मेहमान हमारे साथ जीत का जश्न मनाने के लिए। हमारे साथ अंशुमन गायकवाड़ जी हैं, पूर्व कोच और पूर्व सेलेक्टर प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने साल 2008 में सीबी सीरीज जिताने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था टीम इंडिया के लिए। इसके अलावा राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच, और इनसे आज चर्चा हम उन तीन जीतों पर भी करेंगे, साथ में विराट कोहली ने जो ऐतिहासिक सफलता हासिल की ऑस्ट्रेलिया में उस पर भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह की कोई सीरीज जीतना कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो चाहे 1985 की बात करें जब सुनील गावस्कर की अगुवाई में भारतीय टीम ने बैंसन हेजेस कप जीता था, उसके अलावा साल 2008 की बात करें जब महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने ट्राई सीरीज जीती थी, और अब विराट कोहली ने एक लंबे अरसे के बाद या यूं कहें पहली बार बायलिटरल सीरीज जीतने का काम किया। इस सीरीज जीतने के बाद विराट कोहली ने कई इंपॉर्टेंट पहलुओं पर रोशनी भी डाली। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि विराट ने अपनी टीम के बारे में कहा कि उनकी टीम के बारे में अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में ये टीम जीतना जानती है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज में जीत मिली उसको विराट कोहली कहते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज को जीतना बहुत मायने रखता है। इसके अलावा बात उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की भी की, उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे समर्पित खिलाड़ियों में से एक है महेंद्र सिंह धोनी। इन सभी मुद्दों पर बातचीत आज करेंगे, और विराट के ये जो बड़े बोल आए हैं जीतने के बाद उसमें कितना दम नजर आ रहा है, इस पर भी अपने इस खास पैनल से चर्चा करेंगे। 71 सालों के बाद हम टेस्ट सीरीज जीते थे और इतने ही साल लगा लगभग बायलेटरल सीरीज जीतने में, बात हम अगर वनडे सीरीज की करें। और ऐसे में अंशु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे और प्रवीण से ही करूंगा, क्योंकि दो शख्सियत ऐसी हमारे इस समय साथ है जिन्होंने 77-78 की बात करें तो आप टेस्ट सीरीज जीतते जीतते रह गए थे, और प्रवीण उन खिलाड़ियों उस टीम में से एक हैं जिसने साल 2008 में ट्राई सीरीज जीती थी। क्या मायने रखता है ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से सीरीज जीतना, क्योंकि विराट के चेहरे के एक्सप्रेशन, महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे के एक्सप्रेशन ये बता रहे थे कि बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। राजीव, देखो, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के सामने जीतना इतना आसान तो नहीं है जी, पहली बात तो वो है। दूसरी बात ये है कि उनका जो नेचर है ऑस्ट्रेलियंस का, आप उनके फैंस देखो, पब्लिक देखो, या तो क्रिकेटर्स देखो, इतना एरोगेंसी है उनमें कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे सिवा दूसरे क्रिकेट खेल ही नहीं सकते जी। और इस तरह का उनका अप्रोच भी रहता है, और फिर बाद में स्लेजिंग चलती है, गाली गलौज चलती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको जाके चैलेंज करना वहाँ पे और मैच जीतना बहुत मुश्किल होता है। जो 77-78 में करीबन हम सीरीज जीतने आ गए थे, थोड़े में रह गए, एडिलेड के मैच हम हर गए, नहीं तो 2-2 के बराबर ही थी, मगर उनको वहाँ हराना, ऑस्ट्रेलियन को ऑस्ट्रेलिया में हराना, मैं तो कहता हूँ कि आप वर्ल्ड कप जीत गए ऐसी बात होती। तो आपके जहन में प्रवीण आया जब कल विराट ने ट्रॉफी उठाई, आपका फ्लैशबैक क्या ऑन हुआ था? आप भी पहुंचे थे 2008 जब महेंद्र सिंह धोनी ने ट्रॉफी उठाई थी, क्योंकि वो सीरीज ऐसी थी जहां पर तमाम ऑस्ट्रेलियन से कह रहे थे कि हम दो मैचेस लगातार जीत जाएंगे, और आपने दोनों लगातार मैचेस वहां पे हरा दिए थे। जी बिल्कुल, देखिए वो जो टीम थी उसमें सीनियर्स और जूनियर्स का मिक्सअप था जी, और ये टीम बिल्कुल बिल्कुल नई तो नहीं कह सकते, लेकिन नए लड़के हैं ज़्यादातर, विराट को छोड़ दो या फिर रोहित शर्मा को छोड़ दो, वो ज़्यादा मैचेस खेले हुए हैं। अब जैसे कुलदीप भी लगा लो कि कम मैच खेले हुए, लेकिन बहुत अच्छा खेले ये लोग, और वहाँ पे जैसे सर ने कहा, वहाँ पे अगर आप टूर्नामेंट जीतते हो, सीरीज जीतते हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजकुमार सर, विराट से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि विराट ने जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, जिसमें से शुरुआत हम सबसे पहले उस टॉपिक से करते हैं जिस पर हमने रिपोर्ट आपको दिखाई थी, और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि उन्होंने कहा कि हमने इस दौरे पे हर बार हारने के बाद जीतना शुरू किया, जो ये दिखाता है कि हमारा जो कैरेक्टर है हमारी टीम का कैसा है। क्या कुछ विराट ने एक्सप्रेस किया आपसे? देखिए, बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि ऑस्ट्रेलिया में हराना, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पूरा देश खुश है, खुशियाँ मना रहा है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो विराट तो टॉप ऑफ द हिल है, वो कह रहा है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और है भी कि अगर आप देखें जिस तरह हम लोगों ने फाइट बैक किया, वो और ज़्यादा सुकून देता है कि आप पिछड़ रहे थे और उसके बाद आपने कम बैक किया और फिर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया। तो सारी टीम बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत सेटिस्फाइड हैं वो लोग कि उन्होंने जो इतने 2 साल से जो मेहनत कर रहे थे उसका फल अब निकल कर आया। साल 2018 की शुरुआत तो अच्छी नहीं थी अंशु जी, लेकिन 19 की शुरुआत बहुत बेहतर हुई है। पहले टेस्ट सीरीज हमने अपने नाम की, अब वनडे सीरीज हमने अपने नाम कर लिए। दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं, अब विराट ने जो बड़ी बोल कि दूसरा टॉपिक था, और वो दूसरा टॉपिक ये था कि उनका ये कहना है कि हमारे पास एक ऐसी टीम है जो एक तो अनप्रेडिक्टेबल है और दूसरा किसी को भी हराने की क्षमता रखते हैं, ये इस सीरीज ने प्रूव किया। ये सीरीज ने मेरे ख्याल से काफ़ी
हम 2018 की भी बात करें, राजीव मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसी सीरीज थी जहाँ पे हम जीतने वाले थे जी। कभी टॉस मायने रखता था, टॉस विराट नहीं जीता था, टॉस जीता तो शायद मैच का कोई नतीजा अलग आता था। साउथ अफ्रीका देखो, इंग्लैंड देखो, वहाँ पे भी क्लोज हो गए थे मैचेस। यहाँ पे जो आप 19 की बात करो और ऑस्ट्रेलिया की बात करो, तो मेरे ख्याल से ये सारा जो एक्सपीरियंस मिला उनके अनुभव से, आज उनको पता चला कि ये टीम ऐसी है कि अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल सही है, मगर फाइट बैक बहुत अच्छी करती है। और प्रवीण, 2008 में जब आप जीते तब बड़े बड़े स्टार्स थे उस समय आपकी टीम में, सचिन तेंदुलकर भी हुआ करते थे उस टीम में, उस टीम में कई मैच विनर्स थे, युवराज सिंह थे, तमाम वो बड़े बड़े नाम थे जो वनडे क्रिकेट में एस्टैब्लिश थे। आपको लग रहा है ये जीत इसलिए भी बहुत मायने रखती है कि हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो एस्टैब्लिश नहीं है, और वर्ल्ड कप बिल्कुल सामने है। विराट ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ी सीरीज जीतना बहुत टॉनिक का काम करेगी, आप मानते हैं इस बात को? जी बिल्कुल, बहुत मनोबल बढ़ेगा इस सीरीज से जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। और देखिए, अलग अलग शैली के बॉलर हैं जी, चहल है, लेग ब्रेक, फिर कुलदीप है, और बुमराह आपको पता ही है, वो स्पेशलिस्ट हो गया है डेथ बॉलिंग का। फिर अभी ना बुमराह के हमें ये सीरीज जीते, ये इम्पोर्टेंट, बुमराह खेले नहीं पूरी। भुवी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसने भी अच्छा बॉलिंग किया, पहले मैच को छोड़ के आखिर के दोनों मैचों में बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। तो बहुत बढ़िया टीम है, बैलेंस टीम है, बॉलर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैट्समैन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बीच में धोनी आ गए हैं, तो बहुत फ़र्क पड़ेगा वर्ल्ड कप में। और मेरे ख्याल में तो एक आध फेरबदल हो सकता है सर। ठीक है, मगर भुवी ने जिक्र की, अब मैं तो कहता हूँ कि भुवी ने जो जिस तरह के फिंच को आउट किया है, जी जी जी, वो क्या मीनिंग, क्या क्या उसने एक ज्यादा क्या फास्ट बॉलर के नाते में पूछ रहा हूँ आपको, आप ज्यादा सर, वो मैंने लास्ट ईयर भी देखा था और उससे पिछले साल भी गुजरात लायंस में था फिंच, इसने तब भी दोनों बार, एक बार एलबी और एक बार बोल्ड कर दिया था। फिंच को अंदर का बॉल मेरे ख्याल में तो समझ आता नहीं है, मेरे ख्याल खासतौर पर भुवी का, अंशु जी उसमें टेक्निकल फॉल्ट है वो, अगर आप देखें वो बहुत ज़्यादा अक्रॉस चला जाता है कि आप इन स्विंग नहीं खेल सकते, जब आपका हेड गिरता है आप बहुत ज़्यादा अक्रॉस चले जाते हैं तो इनकमिंग बॉल बहुत प्रॉब्लम करती है। और मैं आश्चर्यचकित इस बात से हूँ कि इतना ज़्यादा वीडियो का जमाना है, इतना ज़्यादा उन कोचेज वगैरह बताते हैं, तो भुवनेश्वर कुमार भी देख रहे हैं ना, उन्होंने फायदा उठाया और ज़्यादा वीडियो देखा है, मतलब फिंच बार बार एक ही तरह आउट हो रहे हैं, तो उनको बताया गया होगा कि आप ये गलती कर रहे हो, ये दिक्कत 4-5 साल से, वही मैं कह रहा हूँ कि उनको क्यों नहीं बताया जा रहा है, या तो वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात, वो लेवल पे ठीक नहीं कर पा रहे तो खेलने का भी मैच में भी समझता हूं कोई मैच में भी ईशान को आउट का सर कप्तानी उनकी ऐसे ही भी, ये एक बड़ा सर, ये एक और चर्चा चल रही है इन दोनों सोशल साइट पे कि ऑस्ट्रेलिया बहुत कमजोर थी इस बार, इसलिए हम उनको हराने में कामयाब है, दोनों फॉर्मेट में एक फॉर्मेट हमने ड्रॉ किया। इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना कैसी भी टीम है बहुत मुश्किल होता है? बिल्कुल, देखिए उन्होंने अपनी बेस्ट 11 खिलाई है, अगर उनके दो प्लेयर सस्पेंडेड हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है, और वो अपनी करनी की वजह से सस्पेंडेड है, और उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया अपना जो बेस्ट पॉसिबल उन्होंने 11 खिलाया, आप जहाँ से भी जो भी प्लेयर उन्हें लगा कि भारत को ट्रबल कर सकता है उसको खिलाया, तो आप ये बिल्कुल क्रेडिट इंडियन टीम से नहीं ले सकते कि उन्होंने एक हल्की टीम को हराया। ऑस्ट्रेलिया में हमेशा एक बहुत स्ट्रांग टीम होती है। इसमें थोड़ा ऐड करूँ राजीव, दो चीज़ है इसमें, ये जो बातें कर रहे हैं ना, सीरीज शुरू होने के पहले तो बातें कुछ अलग थी, ठीक है, अब बात करें कि हमारे प्लेयर नहीं थे, सेकंड ग्रेड टीम थी, मेरे को एक बताओ उनकी बॉलिंग साइड तो पूरी थी जी, बिल्कुल, गेंदबाजी तो इससे और कोई बॉलर तो नहीं है गेंदबाज की जिसको खिला सकते थे, जो बाहर बैठे हुए इंजरी की वजह से कि डिसिप्लिन की वजह से नहीं। नंबर टू, स्मिथ और वार्नर दोनों भी होते तो मैं ये कहता हूँ जिस तरह के भारतीय बॉलिंग की गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं जी, मेरे को नहीं लगता है उनको भी खेलने देते थे। मिडिल ऑर्डर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, दिनेश कार्तिक की बात करें, या जिस तरह की बैटिंग केदार जाधव ने की उसकी बात करें, इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले टॉप 3 बल्लेबाज और टॉप 3 गेंदबाज आपको दिखा देते हैं इस सीरीज के, इस वनडे सीरीज में कौन सबसे सफल थे, और उसके बाद हम अपने पैनल से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और राजकुमार जी, अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि विराट ने जिस तरह से कहा कि ये ऐसी सीरीज है जहाँ पे सबका कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि इससे पहले की जो भी हमने मैचेस, बड़े मैचेस जीते हैं वहाँ पे विराट, रोहित, शिखर चले तो मैचेस जीते थे, नहीं तो नहीं जीते थे। इस बार अच्छा है कि महेंद्र सिंह धोनी चले, इस बार अच्छा है कि केदार जाधव चले, इस बार अच्छा है कि दिनेश कार्तिक चले।
बिल्कुल, ये बहुत सेटिस्फाइंग हुआ है कप्तान के लिए और ये हटाता है प्रेशर कप्तान के ऊपर से, क्योंकि एक तो उन्हें कप्तानी करनी है, ऊपर से बैटिंग का भी प्रेशर अगर यही हो कि अगर विराट कोहली आउट हो गए तो टीम हार जाएगी, तो इस बार वो प्रेशर नहीं रहा विराट के ऊपर भी और सब ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। और जैसा कहा जाता है कि क्रिकेट एक टीम गेम है, इसमें सभी को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए, हम लोग किसी एक दो इंडिविजुअल पर ना डिपेंडेंट हो, तो अब इस टीम ने करके दिखाया कि सबको अपना रोल पता है। तो राजकुमार जी ने जिस तरह से प्रवीण कहा कि सबका कंट्रीब्यूशन था और ये जीत इसलिए भी बेहद खास थी, 2008 के महेंद्र सिंह धोनी को देखें और अब 2019 के महेंद्र सिंह धोनी, 11 साल हो गए प्रवीण और इन 11 सालों में आप उनके साथ खेले भी, अब उनको आप खेलते देख रहे हैं, ये जो 11 साल बाद का महेंद्र सिंह धोनी जो रन बनाता नजर आया, किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मुझे तो लगा नहीं कोई फर्क है, उस टाइम भी उतने बड़े छक्के मारे थे, आज भी उतने बड़े छक्के मार रहे हैं, तो थोड़ा मैच्योर हो गया आपको लग रहा है पहले से? बस सेम वो परिस्थितियों के हिसाब से बैटिंग करते हैं, आपने अच्छा, भी देखा होगा पूरी दुनिया में चलता रहता है। हाँ जी, तो अब 87 रन बनाया तो वो परिस्थितियों के हिसाब से बनाया, बॉलें ज़्यादा खेली है, कभी बना देते हैं 30 बॉल में 54 रन या 55 रन, तो वो परिस्थिति के हिसाब से खेलते हैं, मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया, या 2008 हो या अब 2019 चल रहा है, सेम बैटिंग कर रहे हैं वो, बाकी तो लोगों का बोल रहे हैं, गाँव में बोल रहे हैं कि वो स्लो हो गए हैं, उनका विज़न ठीक नहीं हो रहा है, तो इतने बड़े खिलाड़ी के ऊपर सवाल नहीं उठने चाहिए। इसीलिए अब ये जो लॉट है, जो अब इंडियन टीम है, ये बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं कि उनके लिए कौन क्या कह रहा है, ना ये लोग सुनते हैं, ना दे आर बॉदर्ड कि क्या वो कर रहा है, क्योंकि ये हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनका काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना है। चलिए, भारतीय टीम को एक बड़ी जीत मिली ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया से ही हमें नजर आई है वर्ल्ड कप की तैयारी, इस पर एक विस्तार में चर्चा आप देखेंगे और लगातार एक कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं, इस कैंपेन में भी आप भी लगातार शामिल हो सकते हैं।